अगर आपको फोन बाय करना है और आपका बजट है 20,000, तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 20,000 में। पांचवें नंबर पर फोन है Realme की तरफ से, Realme Narzo 60 5G। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर है, जो डिसेंट प्रोसेसर बोल सकते हो। 90Hz AMOLED डिस्प्ले और कैमरा भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस और OIS का सपोर्ट नहीं मिलता। बैटरी 5000mAh की है, लेकिन यहाँ पर चार्जर 33W का देखने को मिलता है। अगर आपको ये स्मार्टफोन सस्ती रेट पर देखने को मिल जाता है, तो आप ये स्मार्टफोन जरूर बाय कर सकते हो। ये फोन के क्या प्रोस और क्या कॉन्स है वो आपके सामने है, आप ये देखकर स्मार्टफोन ले सकते हो। अब बात करते हैं चौथे नंबर के फोन की। यहाँ पर एक नहीं दो फोन देखने को मिलते हैं। पहला स्मार्टफोन है मोटो G84 5G, जो सस्ती रेट में 256GB स्टोरेज और 12GB की रैम देखने को मिल जाती है। 120Hz AMOLED डिस्प्ले और यहाँ पर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 695 देखने को मिलता है। आपको याद है मोटो G34 5G स्मार्टफोन, जो अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइस है 10,000, और इस स्मार्टफोन में भी यही प्रोसेसर देखने को मिलता है 695। ये प्रोसेसर के साथ दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यूट्यूब पर आप HDR वीडियो नहीं देख सकते हो, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप 4K वीडियो को रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो कैमरा देखने को मिलता है वो भी आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ पर 15MP का OIS वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन भी आप बाय कर सकते हो जब आपको डिस्काउंट रेट पर मिल जाए। क्या अच्छा क्या खराब है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखकर इसे बाय कर सकते हो। इसी नंबर पर दूसरा स्मार्टफोन निकल कर आता है Redmi Note 13 5G। आगे की तरफ 120Hz वाला AMOLED डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ, बैटरी भी यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और बैक में 108MP का कैमरा होने वाला है, और प्रोसेसर भी MediaTek Dimensity का 6080 है, तो डिसेंट प्रोसेसर बोल सकते हो। ओवरऑल Redmi Note 13 भी आप बाय कर सकते हो। ये स्मार्टफोन भी अंडर 20,000 में देखने को मिल जाता है, और Redmi Note 13 में भी क्या प्रोस है क्या कॉन्स है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखकर भी बाय कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है नॉन चाइनीज सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये फोन बॉक्स में चार्जर नहीं देता है, 6000mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट 25W का ही देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोसेसर भी डिसेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोसेसर Exynos 1280 है, जो बहुत ही डाउन प्रोसेसर है। आगे की तरफ 120Hz वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और बैक में 15MP का कैमरा है OIS के साथ। अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, तो आप Samsung Galaxy M34 5G स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, अगर इसका रेट कम हो तो। आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो, इसके क्या प्रोस और कॉन्स है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखकर भी बाय कर सकते हो। सेकंड नंबर पर है Lava Agni 2 स्मार्टफोन। आगे की तरफ 120Hz का AMOLED डिस्प्ले है, और यहाँ पर एक लौता स्मार्टफोन है जिसमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर 4700mAh की बैटरी है, और 66W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। 15MP का ट्रिपल कैमरा है, और जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7050 का है, जो डिसेंट प्रोसेसर है। जिनको नॉन चाइनीज फोन लेना है और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड का ही फोन चाहिए, तो आप ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये फोन के बारे में क्या प्रोस या कॉन्स है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखकर बाय कर सकते हो। नंबर वन पर आता है पोको X5 प्रो। मुझे पता है ये फोन पुराना हो गया है, अगर आपको नया फोन लेना है तो आपका बजट का इशू नहीं है, तो आप बैंक ऑफर लगा के पोको X6 मिल रहा है 20,000 के आफ्टर डिस्काउंट पे, तो आप वो फोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर वीडियो में आपको बताया कि 20,000 के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम पोको X5 प्रो के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और प्रोसेसर 5G है, और अच्छा चल भी जाता है। आगे की तरफ 120Hz वाला AMOLED डिस्प्ले है, और बैटरी भी 5000mAh की है, और यहाँ पर 67W के चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से पोको X5 प्रो की तरफ आप भी जा सकते हो। मेरे हिसाब से क्या प्रोस या क्या कॉन्स है आपके सामने है, आप इसे देखकर बाय कर सकते हो। अभी भी आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।